गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, वी नाउ अबाउट दिस चैप्टर। वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। ठीक है, हम लिस्ट बनाते हैं जिसके हम खाना खाते हैं। वी आल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन द डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, फूड आइटम्स ईटन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन मैप। इस मैप में क्या करिए, आप उनको निशान लगाइए, हम कौन कौन से देश के भागों में अलग अलग भोजन करते हैं। ए मील कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रेंजल करी। ठीक है, अनदर मे बी राइस, सांबर, वेजिटेबल, प्रिपरेशंस ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी। जिसे लेडी फिंगर को हम प्रिपेयर करते हैं, भिंडी भी कहते हैं। येट अनदर मील्स कुड बी एपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। ठीक, देखो बच्चों कि हम अलग अलग चीज़ बनाते हैं, जैसे चपाती बनाते हैं, दाल बनाते हैं, ब्रेंजल या करी बनाते हैं, कढ़ी चावल जिसे सुनने के बाद आपके मुंह में पानी आता है, सांबर बनाते हैं। ठीक है, सांबर कहाँ जाता है, साउथ की तरफ खाया जाता है। वेजिटेबल प्रिपरेशन करते हैं जैसे भिंडी वगैरह, ठीक है, और फिश करी बनाते हैं, फिश करी यानी फिश को भूनना, और अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल्स में यूज करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स का। ठीक है, कर्ड बटर मिल्स, सो वट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। ठीक है, ये अलग अलग कंटेंस आइटम्स के कंटेंस क्या करते हैं। वी नाउ द ईच डिश इज यूजली मेड अप ऑफ वन मोर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, हम जानते हैं कि एक से एक चीज़ कई अप कई संगठनों से बनती है, यानी कि कई फैक्टरों से मिलकर बनती है या कई चीज़ों से मिलकर बनती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और इसको हम प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त कर सकते हैं दीज। ठीक है, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय द आवर बॉडी। ठीक है, और ये इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनको हम पोषक तत्व कहते हैं। देखो बच्चों, पोषक तत्व हमें शरीर को क्यों ज़रूरी होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, यानी कि देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, या हमें विटामिन ई की कमी से, आयरन की कमी हो जाने से क्या होता है, हमें विटामिन ई की कमी से हमें अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इस ठीक है, विटामिन सी की कमी से हमें स्क्रीवी रोग हो जाता है, यानी कि हमारे दांतों के अंदर पानी लगना। ठीक है, हमारी स्किन में अलग अलग प्रकार के रैचेस पड़ना। ठीक है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर द नेम द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो कंटेंट्स हैं उनका नाम है, पहले का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, तो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो, और मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड्स नेम्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशंस फूड कंटेन्स डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर विच आल्सो नीडेड बाय द अवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, विटामिन्स की एंड मिनरल्स की, और हम अलग अलग प्रकार के डाइट्री फाइबर्स लेते हैं, और पानी की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, डू ऑल फूड्स कंटेन दीज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्या सभी खानों में न्यूट्रिएंट्स होता है। विच विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन द वन और मोर ऑफ द दीज
न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? क्या सभी भोजन में न्यूट्रिएंट्स होता है? ठीक है, और विच विद, विद का मतलब है कि सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड, ठीक है? जब हम पकाते हैं भोजन को और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर इन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? और जो ये हमारे अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं उसमें अलग अलग न्यूट्रिशंस होता है। द टेस्ट फॉर प्रेफरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू टेस्ट अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? इसमें क्या है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है? ये क्या है? फैट्स कौन से होते हैं? फैट्स का मतलब होता है वसा। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के आवश्यक होता है और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है हमें ऊर्जा, ठीक है? लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड्स आवर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? हम इसको अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा जानेंगे, ठीक है? ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का सिंपल था मीनिंग होता है, ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को देख के उससे सीखना, ठीक है? वी कैन ऑब्जर्व एंड लर्न द न्यू थिंग, ठीक है? इन टेबल 2.2, 2.2 टेबल में हम इनको देखेंगे आगे, ठीक है? फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन आयोडीन कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, ठीक है? इसके लिए आपको आयोडीन की ज़रूरत पड़ेगी, कॉपर सल्फेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और कास्टिक सोडा की। यू विल आल्सो नीड द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर दी ट्राई दिस टेस्ट आर द कुक फूड आइटम एज वेल द रॉ मटेरियल, ठीक है? ऐसे ही टेस्ट करना जैसे आपको रॉ मटेरियल टेस्ट करनी है और फिर आपको पका हुआ भोजन भी टेस्ट करना, ठीक है? सम फूड्स आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल्स, यू कैन द कंडक्ट टेस्ट आइदर्स विद दीज और एनी केयरफुली डू नॉट ईट एंड टेस्ट द केमिकल्स। केमिकल वाली चीज़ों को आपको टेस्ट नहीं करना, ठीक है? इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल द रेडीमेड फॉर्म, ठीक है? हम इन सोल्यूशन को रेडीमेड तौर पे भी